Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back in our channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So now we discuss about very important and interesting unit of the 11th NCERT, that is the plant physiology. So in this particular unit, we detail discuss about each and every chapter which contain in this unit. So I hope you all enjoy this video. So if you like my videos, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and the box section of my channel. So please go through the box section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you all appreciated me. So watch the video and keep support. Micronutrient का role क्या होता है उसके बारे में discuss करेंगे. So I hope you all enjoy this video. So first grade for attending NCERT textbook after that should be ready each and everything simple and easy word. So let's begin without wasting any time. तो essential element क्या होते हैं? Essential element कितने थे? हम लोगों ने देखा था essential element कितने थे? 17 essential element थे जिसमें क्या था? 9 जो थे वो micro थे कैसे थे? Micro थे. और जो 8 थे वो कैसे थे? एड जो थे वो माइक्रो थे. ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट हमने देख लिए थे. अब वही बताया गया है जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं परफॉर्म सेवरल फंक्शन. एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, है ना. दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन सेल इन द प्लांट सेल सच एज परमेबिलिटी ऑफ सेल, है ना. ये कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और परमेबिलिटी ऑफ सेल की परमेबिलिटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में पार्टिसिपेट करते हैं. मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप, सेल सेप का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं. और क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हेल्प करते हैं. बफरिंग एक्शन में हेल्प करते हैं, है ना. बफरिंग एक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक्शन में हेल्प करेंगे. एंजाइमेटिक एक्टिविटी, है ना, एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करेंगे. एंड एक्ट एज ए मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल एज ए को एंजाइम, है ना. और जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्ट करते हैं, मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेंगे और को एंजाइम के तरीके. ठीक है, आगे क्या बताया गया है? वेरियस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट आर गिवन बिलो. हमको बहुत नीचे क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यानी वेरियस टाइप के एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट के नीचे दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं. ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग. फर्स्ट क्या बताया गया हमको? नाइट्रोजन, है ना. नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन क्या होता है ऐसे सभी जानते हैं. ठीक है, ये क्या है? नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? माइक्रो है भाई, याद रखेंगे. माइक्रो न्यूट्रिएंट है. ठीक है, क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है. ठीक है, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है, माइक्रो में सबसे ज़्यादा, है ना. माइक्रो में जितने माइक्रो के एलिमेंट हैं, पीके का कौन सा मग वाली ट्रिक से मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो उसके उसमें सबसे ज़्यादा जो होगा क्या होगा? नाइट्रोजन, है ना. नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होगा प्लांट को, है ना. दिस इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर बाई प्लांट. ये एसेंशियल एलिमेंट है जो प्लांट को ज़रूरत होती है इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, है ना. सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है. इट इज एब्जॉर्ब मेनली बाई नाइट्रेट, है ना. NO3 का मतलब क्या होता है? नाइट्रेट. ये मेनली अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर हमसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, तो हम बोलेंगे मेनली अगर पूछा गया है तो नाइट्रेट के फॉर्म में बताएंगे. अगर पूछा गया किस किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, तो नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनियम आयन के फॉर्म में नाइट्रोजन अब्जॉर्ब होता है, हम तीनों बताएंगे. ठीक है, पर मेनली पूछा जाए तो नाइट्रेट, मेनली पूछा जाए तो नाइट्रेट, नाइट्रेट याद रखेंगे. मेनली पूछा जाए तो नाइट्रेट के बारे में बताएंगे. थ्रू सम आर ऑल्सो टेकन, और ये अब्जॉर्ब होता है किसके फॉर्म में? नाइट्राइट. ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट. और ये क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन. ठीक है, ये क्या है? N4+ अमोनियम आयन है. नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाई ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स, है ना. सारे के सारे प्लांट के पार्ट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. पार्टिकुलरली, है ना, पार्टिकुलरली द मेरिस्टमेटिक टिश्यू, है ना, जिसमें कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, है ना, और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होती हैं, उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. इस बात को याद रखेंगे. ठीक है, वैसे तो प्लांट पूरे प्लांट के पार्ट को ज़रूरत होती है, बट जहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू होंगे और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होंगी, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द प्रोटीन. तो नाइट्रोजन कहाँ पे? प्रोटीन में भी पाया जाता है, ना. मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, विटामिन में पाया जाता है, और कहाँ पर पाया जाता है? हार्मोन्स में पाया जाता है. ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ के पाया जाएगा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन्स में पाया जाएगा. ठीक है, इस बात को याद रखेंगे. ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है प्लांट को. ठीक है, आगे क्या बताया गया हमको? फास्फोरस. किसके बारे में बताया गया है? फास्फोरस के बारे में बताया गया है.
फास्फोरस इज एब्जॉर्ब बाई द प्लांट फ्रॉम सॉयल, है ना। जो फास्फोरस एब्जॉर्ब होता है वो प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉयल से एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉयल से एब्जॉर्ब करेगा। इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन, है ना, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। अब फॉस्फोरस आयन में क्या गया, ये क्या आएगा, डाई हाइड्रोजन, इसमें दो हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया। ठीक है, इसमें दो हाइड्रोजन है इस वजह से डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया। इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट सॉइल से फॉस्फोरस को। ठीक है, फॉस्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फास्फोरस होता है सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है ना, फास्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन बनती है ना, और क्या, सर्टेन प्रोटीन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, और क्या, सर्टेन बोला है, ऑल प्रोटीन नहीं बोला, सर्टेन यानी कुछ प्रोटीन में पाया जाएगा, कितने, कुछ प्रोटीन में पाया जाएगा, ऑल प्रोटीन में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और ऑल न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस पाया जाता है, और न्यूक्लियोटाइड में, है ना, ऑल न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर बेस प्लस फॉस्फेट, तीन मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस। ठीक है, एंड इज रिक्वायर फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, और ये कहाँ पे जरूरत होगा, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में, इसके नाम से पता चला है, फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेट इसमें जरूरत होगा, फॉस्फोरस जरूरत होगा। ठीक है, समझ गए होंगे कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, समझ गए होंगे आप। ठीक है, सर्टेन प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में, और ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में। ठीक है, किस किस फॉर्म में पाया जाता है, फॉस्फेट आयन में, यानी डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, आगे क्या है, पोटेशियम, है ना, पोटेशियम को किससे डोनेट करते हैं हम लोग, कैसे डोनेट करते हैं, यानी के की बैलेंसी कितनी, एक। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम इट इज एब्जॉर्ब बाई पोटेशियम आयन, ये किस फॉर्म में, पोटेशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है इन प्लांट। ठीक है, दिस इज रिक्वायर इज मोर अबेंडेंट क्वान्टिटी इन मेरिस्टमेटिक टिश्यू, है ना, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे ज़रूरत होती है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में, है ना, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में ज़रूरत होती है, बड्स में ज़रूरत होती है, और लीव्स में ज़रूरत होती है, और कहाँ पे, रूट टिप पे, और कहाँ पे, रूट टिप पे, रूट टिप पे ज़रूरत होती है, रूट टिप पे क्या, मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। पोटेशियम हेल्प इन, पोटेशियम हेल्प क्या करता है, पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन द एनायन कटायन बैलेंस, है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का बैलेंस, इसको बोलते हैं कटायन, पॉजिटिव को बोलते हैं कटायन, इसको बोलते हैं एनायन, है ना, इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करेगा, है ना, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का बैलेंस मेंटेन करेगा, कहाँ पे, सेल में, है ना, प्लांट की सेल में एनायन कटायन का बैलेंस मेंटेन करेगा, और क्या करेगा, और इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है ना, और क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कब होती है, जब ट्रांसपायरेशन होता है, क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के टाइम, गैसियस एक्सचेंज के टाइम, है ना, गैसियस एक्सचेंज के टाइम, यहाँ पे क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, आगे क्या है, एक्टिवेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड मेंटेन द ट्रेजिट्री ऑफ सेल, ये सेल को एक्टिवेट, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, और ये सेल की ट्रेजिट्री को मेंटेन करते हैं, है ना, सेल की ट्रेजिट्री को मेंटेन करेंगे तभी स्टोमेटा वगैरह ओपन होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम भी हमारा क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम किस फॉर्म में प्लांट अब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम प्लांट अब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम सॉइल, जो प्लांट होता है सॉइल से कैल्शियम अब्जॉर्ब करता है, फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, है ना, कैल्शियम आयन मतलब Ca+2 के फॉर्म में कैल्शियम जो होगा अब्जॉर्ब करेगा प्लांट सॉइल से। ठीक है, कैल्शियम इज रिक्वायर बाई मेरिस्टमेटिक, है ना, कैल्शियम कहाँ पे जरूरत होता है, कैल्शियम इज रिक्वायर बाई मेरिस्टमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, है ना, जो कैल्शियम जरूरत होगी कहाँ पे जरूरत होगी, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में, और कहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में, जो अपने टिश्यू अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जरूरत होगी। ठीक है, और कहाँ पे जरूरत होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ना ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज टू सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, है ना, ये सेल डिवीजन में जरूरत होगी, और कहाँ पे होगी, जब सेल वॉल की सिंथेसिस होगी, है ना, और कहाँ पे, पार्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट मेरी लेमला में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पैक्टेट जो सेलवाल होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है मेनली, अगर मेनली पूछा जाए तो कैल्शियम पैक्टेट और उसमें मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है, बट मेनली क्या होता है, कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, है ना, और क्या है,
इट इज ऑल्सो नीड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। और कहाँ पे जरूरत होती है कैल्शियम की, जरूरत कहाँ पे होती है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में जरूरत होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम इसको समराइज बता देते हैं कहाँ कहाँ पे कैल्शियम पाया जाता है ना। ये सिंथेसिस सेलवाल करेगा, है ना, कैल्शियम पेक्टेट मेरी लैमला बनाएगा ये। ठीक है, और ये मेरे सिमेट्रिक टिश्यू को जरूरत होती है, डिफरेंशिएटिंग टिश्यू को जरूरत होती है, और ये सेल डिवीजन के टाइम होता पाया जाता है ना। और क्या होता है, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन में, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैल्शियम में सी आया और तो इससे क्या सेलवाल आ जाएगा, हम लोग याद रखेंगे, और क्या सेल डिवीजन में याद रखेंगे, दोनों में सी सी आ रहा है तो यानी सेलवाल सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन में पूछते हैं, बता देंगे आसानी से हम लोग। ठीक है, ये क्या है, इट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीफ। ये क्या होता है, ओल्डर लीफ में एक्यूमुलेट हो जाता है, इट एक्यूमुलेट ओल्डर लीफ। क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, इमोबिलाइज है। क्या है, इमोबिलाइज, इमोबिलाइज है यानी ये मूव नहीं कर पाता है ना, ये मूव नहीं कर पाता है। इट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीफ, इट इट इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, आगे क्या है, इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम, ये कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ये सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये कैसा, इमोबिलाइज एलिमेंट है। कैसा है, इमोबिलाइज है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता, इसीलिए ओल्डर लीफ पे वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया है, मैग्नीशियम के बारे में, किसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एमजी से, है ना, एमजी प्लस टू। ठीक है, क्या है, इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट एमजी प्लस टू। ये प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, किस फॉर्म में, एमजी प्लस टू के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। इट एक्टिवेट द एंजाइम फॉर रिस्पायरेशन, है ना, ये रिस्पायरेशन वाले एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस, एंड आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और डीएनए और आरएनए में सिंथेसिस में हेल्प करेगा, है ना, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, यानी डाइमर फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, डाइमर फॉर्मेशन, डाइमर फॉर्मेशन में आता है, डाइमर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मैग्नीशियम इज ए कंस्टिट्यूंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, पैरोलिंग पाई जाती है वहाँ पे, मैग्नीशियम जो होता है एमजी प्लस टू होता है, ये सेंटर में पाया जाता है, है ना, सेंटर में पाया जाता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। और क्या करता है, हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, और राइबोसोम स्ट्रक्चर में बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, मैंने बताया डाइमर फॉर्मेशन तो वही होगा। ठीक है, आगे क्या बात, आगे क्या है, सल्फर, आगे क्या है, सल्फर, सल्फर क्या होता है, सल्फर, प्लांट ऑप्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, है ना, प्लांट जो सल्फर को ऑप्टेन करेगा किस फॉर्म में करेगा, सल्फेट यानी SO4-2 के फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सल्फर इज प्रेजेंट इन टू अमीनो एसिड, सल्फर जो होता है दो अमीनो एसिड में पाया जाता है, कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन, सिस्टीन और मिथियोनिन ऐसे अमीनो एसिड हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। हमसे पूछते हैं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो हम बोलेंगे सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द सेवरल कोएंजाइम, और ये कुछ कोएंजाइम का मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है, यानी इसका मुख्य हिस्सा होता है कोएंजाइम का, विटामिन का, है ना, विटामिन कौन कौन सी विटामिन आ गई इसमें, विटामिन में आ गई थियामिन, है ना, विटामिन में क्या आ गई, थियामिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए, ये क्या है, विटामिन हैं, और क्या है, फेरोडॉक्सिन, है ना, फेरोडॉक्सिन में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया हमको, आगे क्या बताया गया हमको, आयरन के बारे में, है ना, यफ़ी, आयरन क्या है, यफ़ी, यफ़ी क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जो यफ़ी होता है, यफ़ी जो होता है ये सबसे ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट में, है ना, माइक्रो में सबसे ज़्यादा, माइक्रो में सबसे ज़्यादा प्लांट को ज़रूरत होती है किसकी, यफ़ी की, और माइक्रो में किसकी ज़रूरत थी, नाइट्रोजन की। ठीक है, तो इसके बारे में, यफ़ी के बारे में देख लेते हैं। प्लांट ऑप्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, जो प्लांट ऑप्टेन आयरन करता है कहाँ से, सॉइल से, वो किस फॉर्म में, फेरिक आयन, एफ ई प्लस थ्री को क्या बोलते हैं, फेरिक आयन बोलते हैं। इट इज रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना, ये अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कंपेयर में लार्ज अमाउंट में जरूरत पड़ती है इसको प्लांट को। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द प्रोटीन, है ना, ये क्या है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट
of protein involved in transfer of the electron like ferredoxin and cytochrome, है ना? ये क्या है? ये important constituent का होता है, protein का constituent होता है जो कि कहाँ पे होती है, transfer of electron, electron को transfer करती है, कौन कौन से electron? ferredoxin and cytochrome, ferredoxin and cytochrome, ठीक है? It is reversibly oxidized, ये reversibly oxidized हो जाता है, ऑक्सीडाइजेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है? यानी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई इसकी, ठीक है? यानी Fe+2 से Fe+3 में चला गया, ये क्या रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाएगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है तो ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इट एक्टिवेट कैटलाइज एंजाइम, ये किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? कैटलाइज एंजाइम को, ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये कैटलाइज एंजाइम को एक्टिवेट करता है एंड एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में एसेंशियल होता है, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे। अब आगे क्या बताया गया हमको? मैग्नीज के बारे में बताया गया है। मैग्नीज इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यमेन से डिनोट करते हैं, ठीक है? मैग्नीज इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयन, है ना? ये मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, यानी Mn+2 यानी मैग्नस आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, या इस बात को याद रखेंगे किस फॉर्म में? मैग्नस आयन के फॉर्म में, ठीक है? इट एक्टिवेट मैनी एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, है ना? ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और कहाँ पे? रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, और क्या हो गया? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कहाँ पे? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है? और इसका क्या होता है? द बेस्ट डिफाइनिंग फंक्शन, जो इसका बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है ऑफ मैग्नीज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लाइब्रेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका एक फंक्शन क्या होता है? वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है, है ना? फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटोलिसिस ऑफ वाटर करता है क्या? मैग्नीज। ये कहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे होती है? पीएस सेकंड में होती है, पीएस सेकंड यानी फोटोसिंथेटिक सिस्टम सेकंड में होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन लाइब्रेट होती है, ठीक है? यहाँ पे मैग्नीज और क्लोरीन कैल्शियम वगैरह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे मैग्नीज भी हेल्प करता है, क्लोरीन भी हेल्प करता है, और क्या? कैल्शियम भी हेल्प करता है। तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है? बट यहाँ पे मेनली यहाँ पे फोटो पीएस सेकंड में इसका जो मेन होता है वो मैग्नीज होता है, ठीक है? आगे क्या बताया गया है जिंक के बारे में? क्या बताया गया जिंक के बारे में? प्लांट ऑब्टेन जिंक इन द फॉर्म ऑफ Zn+2, ना? Zn+2 आयन के फॉर्म में जिंक ऑब्टेन करती है। इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम, ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, स्पेशली कौन से एंजाइम? कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? इट इज आल्सो नीड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, ये ऑक्सिन की सिंथेसिस में ऑक्सिन और ट्रिप्टोफोन की सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट होता है ये, ठीक है? क्या? जिंक, ठीक है? ये बात याद रखेंगे। आगे क्या दिया गया? कॉपर। इट इज एब्जॉर्ब एज क्यूप्रिक आयन, Cu+2 क्या होता है? क्यूप्रिक आयन होता है। कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। इट इज इसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, ये प्लांट की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है, यानी वो प्लांट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, इस बात को याद रखेंगे। लाइक आयरन की तरह ये क्या है? इट इज एसोसिएट विद सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम कॉपर+1 से कॉपर+2 में जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या हुआ? जैसा आयरन था रिवर्सिबली क्या ऑक्सीडाइज हो रहा था, उसी तरह क्या होता है ये कॉपर भी होता है, Cu+2 में जा रहा है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Cu+2 से इसमें आ जाएगा Cu+1 में, है ना? रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ये, ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये किसकी तरह होता है? कॉपर आयरन की तरह, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या दिया गया? बोरॉन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अच्छा खासा मिलेगा पढ़ने को। बोरॉन ये एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में? BO3
-3 के फॉर्म में और क्या BO4O7 -2 के फॉर्म में, इस बात को याद रखेंगे। अब ये BO3-3 और B4O7 -2 क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरेट। इसको बोलते हैं बोरेट, है ना। इस वाले को BO3-3 को क्या बोलते हैं? बोरेट, बोरेट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेट्राबोरेट। क्या बोलते हैं? टेट्राबोरेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राबोरेट। यानी जो बोरान होता है वो अब्जॉर्ब होता है बोरेट और टेट्राबोरेट के फॉर्म में, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। बोरान इज रिक्वायर फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो बोरान होता है ये रिक्वायरमेंट होता है, किसके लिए ज़रूरत होता है? अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के यूटिलाइजेशन और अपटेक के लिए क्या? बोरान की ज़रूरत पड़ती है, बोरान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर बोरान की डिफिशेंसी किसी प्लांट में हो गई, अगर बोरान की डिफिशेंसी किसी प्लांट में हो गई तो वहाँ पर कैल्शियम की डिफिशेंसी होना मस्ट है। क्यों होगी? क्योंकि बोरान ही क्या है? यूटिलाइजेशन और अपटेक कराता है कैल्शियम का। सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्या है? और ये कहाँ पे पाया जाता है? बोरान जो होता है रिक्वायरमेंट अपटेक ऑफ कैल्शियम यूटिलाइजेशन के लिए, और क्या है? मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, है ना, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, पॉलन जर्मिनेशन के लिए, यानी पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेट होगी उसके लिए, और क्या, सेल इलोंगेशन, सेल को इलोंगेट कराने के लिए, और सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए, और क्या, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए, और क्या, सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए, सेल इलोंगेशन के लिए, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, पॉलन जर्मिनेशन के लिए ज़रूरत होती है बोरान की। और ये यूटिलाइजेशन करता है, अपटेक कराता है किसका? कैल्शियम का। अगर बोरान की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होना मस्ट है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है? मॉलिब्डेनम, है ना। आगे क्या बताया गया है? मॉलिब्डेनम, है ना। प्लांट ऑप्टेन मॉलिब्डेनम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेट आयन, है ना। प्लांट जो ऑप्टेन करता है मॉलिब्डेनम किस फॉर्म में ऑप्टेन करता है? मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में। क्या होता है? MO O2B+2, ठीक है। ये मॉलिब्डेट आयन हो गया, इस फॉर्म में प्लांट ऑप्टेन करता है इसको। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम, ये कुछ एंजाइम का कंपोनेंट होता है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज, है ना। ये नाइट्रोजिनेज कहाँ पे? नाइट्रोजिनेज, ठीक है। नाइट्रोजिनेज कहाँ पे पाया? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। और क्या है? नाइट्रेट रिडक्टेस, है ना। कहाँ पे? नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस, ये इसमें क्या कंपोनेंट होता है इन एंजाइम का, क्या? मॉलिब्डेनम, ठीक है। बोथ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये नाइट्रोजिनेस और नाइट्रोजन रिडक्टेज कहाँ पे? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आगे क्या बताया गया हमको? आगे क्या बताया गया? क्लोरीन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोरीन जो होती है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है? क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अलॉन्ग विथ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलके ये क्या करती है? हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन, ये हेल्प करती है सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने में, एनायन कटायन बैलेंस, और एनायन कटायन बैलेंस में हेल्प करती है, ठीक है, एनायन कटायन बैलेंस में हेल्प करती है। इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, और ये वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में हेल्प करती है, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर पीएच सेकंड में होता है, जो मैंने आपको बताया था। वहाँ पे क्या होता है? मैग्नीज आएगा और क्लोरीन आएगा, और क्या आता है? कैल्शियम आता है, ठीक है, है ना। ये क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर फोटो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, यानी पीएच सेकंड में, और क्या है? ए रिएक्शन डेट लीड इन द ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ये फोटोसिंथेसिस फोटोलिसिस क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जहाँ से ऑक्सीजन एलिवेट यानी निकले, ऑक्सीजन बने, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वाटर स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। सो फ्रेंड, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसमें हम आगे फर्दर के टॉपिक कवर करेंगे। तो आई होप यू लाइक माई सेशन, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो। तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।